नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मोटर ऑक्टेन के समाचार। मैं हूं आपका होस्ट रचित और आज हमारे साथ जुड़ी है दो ऐसी गाड़ियां जिन्होंने हमारे भारतीय मार्केट को काफी हद तक प्रभावित किया है। इन्हें SUV भी कहा जाता है और एक गाड़ी जो हमारे सामने खड़ी है वो है टाटा मोटर्स की तरफ से उनकी सफारी, और दूसरी तरफ हमारे साथ जो गाड़ी जुड़ी है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा की तरफ से उनकी स्कॉर्पियो। पर अब जो आप कहानी देख रहे हो ये भूतकाल की है, चलते हैं वर्तमान काल। सो वेलकम टू द प्रेजेंट टाइमलाइन। हमारे साथ आज जुड़ गई है टाटा मोटर्स की नई सफारी एंड वी हैव द न्यू महिंद्रा स्कॉर्पियो। एंड आज हम इन दोनों का डायरेक्ट कंपैरिजन करने वाले हैं। ये दोनों SUVs एक दूसरे से काफ़ी कंपेटिटिव रहे हैं फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, पर अब दोनों के न्यू जनरेशन आए हैं। क्या ये वाकई में कंपटीशन है या नहीं, आपको इन दोनों में से कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए एंड किस वजह से, लेट्स गेट इनटू द वीडियो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड। तो भाई शुरू करते हैं दोनों गाड़ियों के डिज़ाइन से एक एक करके। पहले हम बात करने वाले टाटा सफारी के बारे में। जो न्यू जनरेशन सफारी आई है वो कहीं ना कहीं अगर आप पुरानी सफारी से कंपेयर करोगे तो अनजस्ट रहेगा, क्योंकि ये नई गाड़ी पूरी तरह ब्रांड न्यू है। इसका जो डिज़ाइन लैंग्वेज है, जो अप्रोच है टूवर्ड्स द व्हीकल, वो चेंज हो गया है। तो जैसे ग्लोबली जो नई SUVs आती है वो फ्रंट व्हील ड्राइव होती है, मोनोकॉक होती है। आई एम गोइंग अ लिटिल टेक्निकल बट जस्ट बेयर विद मी, मैं आपको एंड में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वही तरीके का पैटर्न ये लोग ने इंट्रोड्यूस किया है ऑन द टाटा सफारी एज वेल। तो लैंड रोवर का DNA इसमें डाल दिया है, विच इज़ द ओमेगा आर्क प्लेटफॉर्म। और अगर आप इसकी ओवरऑल डिज़ाइन लैंग्वेज देखते हो तो कहीं ना कहीं टाटा की जो न्यू SUVs है उनसे मेल जोल करती है। तो पहले जो सफारी आती थी काफ़ी हद तक बॉक्सी थी, दिस गेट्स अ कम्प्लीटली न्यू पैटर्न ऑफ डिज़ाइन। तो इसको पतला सा फ्रंट ग्रिल है, हेडलैम्प्स भी काफ़ी स्लीक है, स्प्लिट हेडलैम्प्स दे दिए गए हैं इसको, जिस वजह से इसकी ओवरऑल डिज़ाइन एलिमेंट्स काफ़ी चेंज हो जाते हैं। प्लस क्रोम का इस्तेमाल भी इस पर अच्छा खासा किया गया है ओवरऑल। अगर आप इस गाड़ी को साइड से देखते हो, यहाँ से इसकी स्टाइलिंग मेरे को बहुत पसंद है। एंड वन थिंग यू विल लाइक इज कि जो रूफ रेल्स दिए हुए दे जस्ट लुक प्रीटी गुड ऑन इट। ग्राउंड क्लियरेंस में भी कोई इशू नहीं है गाड़ी को। आगे पीछे दोनों तरफ आपको डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। 18-inch व्हील्स अवेलेबल कराए गए हैं ऑन द सफारी। एंड वॉट इट स्टैंड फॉर इज प्योर सिंपल ब्यूटी। ऐसे नहीं कि बहुत सारा कट्स लाइंस दिए गए, एकदम सिंपलिस्टिक डिज़ाइन इस गाड़ी को दिया गया, जिस वजह से ये क्लियरली स्टैंड आउट करता है इन इट्स ओवरऑल डिज़ाइन। अब अगर आप इस SUV का रियर देखते हो तो आप नोटिस करोगे कि इसको एकदम फ्लैट बनाया गया है ताकि प्रैक्टिकल रहे, बूट में स्पेस रहे, हेडरूम रहे थर्ड पैसेंजर्स को। कोशिश वही है कि मेजरली थर्ड रो पैसेंजर्स जो बैठने वाले हैं उनको अच्छी खासी हेडरूम मिले। इस वजह से इसको एक स्लोपिंग रूफ लाइन नहीं दिया गया जैसे हैरियर में दिया गया, क्योंकि हैरियर में थर्ड रो सीट्स नहीं आते। सो वो एक पॉइंट आ जाता है। एंड पीछे से भी एकदम नीट एंड क्लीन है, पतले से टेल लैंप्स दिए हुए हैं एंड क्वाइट सिंपलिस्टिक बूट लुक दिया हुआ है। सो इस वजह से आपको यहाँ डिज़ाइन एलिमेंट्स काफ़ी सिंपलिस्टिक लगेंगे। तो अगर आप ये गाड़ी को 5, 10, 15 साल बाद भी देखोगे, यू माइट नॉट गेट बोर्ड विद द डिज़ाइन, क्योंकि बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड विद मिनिमल कट्स एंड मिनिमल एजेस इसको डिज़ाइन किया गया है। अब अगर आप इस SUV की बूट स्पेस के बारे में बात करते हो तो यहाँ पे आपको दिक्कत आने वाली है। जब तीनों रोज रेज्ड है तब इसमें बूट स्पेस ना के बराबर है। मुश्किल से आपका एक बैकपैक बैठ जाएगा, भूल जाइए कैबिन साइज सूटकेस बिठाने की यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके जो बैकपैक है या लैपटॉप बैग है वो ही पीछे बैठ पाएगा, वरना अगर आपको सामान बिठा के ले जाना है तो आपको थर्ड रोज सीट्स फोल्ड करने पड़ेंगे, तब आपके पास जगह बचेगी। पर यहाँ पे एक एडवांटेज आपको ये आ जाता है कि अगर 6 लोग ट्रैवल करें और आपने कैप्टन सीट्स वर्जन नहीं लिया है तो आप सिर्फ एक सीट फोल्ड कर सकते हैं और अपना सामान डाल के ले जा सकते हैं। और वहीं पे जब हम स्कॉर्पियो N के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे जो इसका बल्की मस्कुलर लुक है उसे कैरी फॉरवर्ड डेफिनेटली किया गया, बट अर्बन ऑडियंस के टेस्ट के हिसाब से थोड़ा इसको मेलोडाउन कर दिया गया है। तो जब आप इसका फ्रंट ग्रिल देखते हो, इट्स वेरी नाइस अपीलिंग, बट कहीं ना कहीं उतना अग्रेसिव नहीं है। इवन इसके हेडलैम्प्स अगर आप देखते हो तो एकदम वो ब्लॉकी स्क्वेरी टाइप नहीं दिए गए, जिस वजह से इसकी जो डिज़ाइन एलिमेंट्स है वो एक अर्बन बायर को ज़्यादा पसंद आएंगे। प्लस आपको जो एयर स्कूप देखने की आदत है वो भी यहाँ दिखाई नहीं देगा। साइड पे जैसे आप इस गाड़ी के तरफ आओगे आप नोटिस करोगे कि ये गाड़ी काफ़ी लंबी है एंड ऊंची भी है। टेक्निकली अगर आप स्कॉर्पियो के डायमेंशंस देखते हो तो ये एक्चुअल में कंपेयर पता है किससे होनी चाहिए,
फॉर्च्यूनर से, क्योंकि ये उतनी ही साइज की गाड़ी है, ये फॉर्च्यूनर से ज़्यादा चौड़ी भी है एंड ऊंची भी है कहीं ना कहीं। सो ओवरऑल इसके डायमेंशंस काफ़ी बड़े हो गए हैं। 18 इंच के व्हील्स दोनों गाड़ियों में आते हैं, बट इसके टायर ज़्यादा थिक है जिस वजह से आपको ज़्यादा थ्रेड पैटर्न मिलता है ऑन द रोड, प्लस आगे पीछे दोनों तरफ आपको इसमें भी डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं। इस गाड़ी को भी रूफ रेल्स मिल जाते हैं और ये काफ़ी बड़े हैं कंपैरेटिवली, एंड दिस कार फ्रॉम द साइड क्लियरली स्टैंड आउट इन इट्स ओवरऑल डिज़ाइन। रियर से भी जब आप स्कॉर्पियो इनको देखोगे तो आपको स्कॉर्पियो की काफ़ी सारी झलकियाँ दिखाई देगी, लंबे टेल लैंप्स दिखाई देंगे, यू गेट दैट इंटीग्रेटेड स्पॉइलर, प्लस जिस तरीके से स्कॉर्पियो का बूट खुलता था इस गाड़ी का भी कुछ वैसे ही स्लाइड ओपन हो जाता है। तो जब आपका थर्ड रो रेज्ड है तब यहाँ पे मुश्किल से आपके दो छोटे साइज के सूटकेस बैठ जाएंगे या एक बैठेगा, डिपेंडिंग ऑन व्हाट साइज आर यू पुटिंग, स्मॉल मीडियम के साइज पे, तो वहाँ पे एक से दो सूटकेसेस बैठ जाएंगे। पर अगर आप पूरी सीट्स फोल्ड करते हो तो यहाँ पे आपका सारा सामान बैठ जाना चाहिए, चार सूटकेस, तीन सूटकेस आराम से बैठ जाएंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। सो ओवरऑल बूट स्पेस जब आप इस गाड़ी की यूज़ कर रहे हो विद द थर्ड रो सीट्स अप तब थोड़ी कम है, बट इट्स अ लिटिल बेटर देन द सफारी। सफारी की अगर आप चाबी देखते हैं तो इसमें आपको लॉक अनलॉक बूट ओपन और यहाँ पे हेडलाइट जलाने का ऑप्शन आता है, वेर एज स्कॉर्पियो एन में आपके पास लॉक अनलॉक एंड बूट ओपनिंग का ऑप्शन आता है, प्लस ये एक फ्लिप की आपको मिल जाती है। दोनों गाड़ियों में हाई क्वालिटी के वाइपर्स यूज़ किए गए हैं जिसे एरो ट्विन फ्रॉम बॉश बोल सकते हैं या फिर ब्लेडलेस बोल सकते हैं, जो आपके ग्लास को ज़्यादा अच्छे से क्लीन करेंगे। ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए तो सफारी को ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है कंपेयर टू द स्कॉर्पियो एन, प्लस पैनल गैपिंग अगर हम स्कॉर्पियो एन की देखते तो कहीं पे भी नहीं है, काफ़ी यूनिफॉर्मली मेड है कार। एट द सेम टाइम सफारी में हमने छोटे मोटे पैनल गैप्स देखे, बट क्योंकि ये एक पुरानी चली हुई गाड़ी है तो इस वजह से वी आर गिविंग इट बेनिफिट ऑफ डाउट। स्पेयर व्हील की अगर हम बात करें तो टाटा सफारी में आपको 16 इंच व्हील आता है विच इज़ टू साइज स्मॉलर, एंड स्कॉर्पियो में आपको 17 इंच व्हील आता है एज स्पेयर। अब गाड़ी के अंदर जाके आपको बहुत सारी डिटेल्स बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक फन फैक्ट। क्या आप जानते हैं आपकी गाड़ी का सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट क्या है? उसका इंजन। ये ना केवल सबसे कॉम्प्लिकेटेड है पर सबसे एक्सपेंसिव भी है। तो जब आप मॉर्निंग सवेरे कोल्ड स्टार्ट करते हैं गाड़ी को या फिर आप बम्पर टू बम्पर सिटी ट्रैफिक में गाड़ी चलाते हैं तब इंजन का वेयर एंड टेयर एकदम मैक्सिमम रहता है 75%, और इससे उसकी लाइफ अफेक्ट होती है। आप जानते हैं इसका मेन कल्प्रिट क्या है? कोई भी साधारण इंजन ऑयल। इसलिए मैं आपको रेकमेंड करता हूँ फुली सिंथेटिक कैस्ट्रॉल मैग्नेटिक इंजन ऑयल। एक तो ये BS6 रेडी है, प्लस ये आपके इंजन को हर बार नॉनस्टॉप प्रोटेक्शन देता है जिससे आपकी ओवरऑल इंजन की लाइफ बढ़ने वाली है एंड इन द लॉन्ग रन आपका खर्चा घटने वाला है। चलो लेट्स गेट इनटू द कार्स। टाटा सफारी, अगर आप इसके इंटीरियर्स देखते हैं तो ये काफ़ी वेलकमिंग है एंड बहुत ही लग्जूरियस डेफिनेटली फील होते हैं। तो इसको ब्लैक एंड सॉर्ट ऑफ आइवरी कलर का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है जो बहुत ही अपीलिंग है एंड ओवरऑल काफ़ी रिच एंड प्रीमियम फील होता है। इसमें आपको लेदरेट सीट्स आते हैं, अब काफ़ी नए फीचर्स भी इस गाड़ी के अंदर आ गए जो पहले नहीं थे। आई विल गो ऑन टू द फीचर्स, पर पहले बात करते हैं टच एंड फील की। तो इसमें आपको हार्ड प्लास्टिक्स मिलते हैं, यहाँ पे सॉफ्ट टच मिल जाता है, डोर पे आपको हार्ड प्लास्टिक्स मिल जाते हैं, बट ओवरऑल फिट एंड फिनिश में कहीं कोई कमी या प्रॉब्लम नहीं, इनफैक्ट इट फील्स वेरी नाइस एंड रिच टू। अब अगर मैं फ्रंट सीट्स के बारे में बात कर लूँ तो ये काफ़ी कंफर्टेबल है। लॉन्ग ट्रिप पे जाओगे तो आपको थकावट भी नहीं होगी, आप शहर में भी चलो इट्स गुड इनफ। थोड़े फर्म है बट इट्स मोर देन सफिशिएंट, वेल बैलेंस्ड कुशन सीट्स है ये। आपको ड्राइवर की सीट इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल दी जाती है। अगर मैं एक्स्ट्रा फीचर्स की बात कर लूँ इसमें ओवर द स्कॉर्पियो एन, तो आ जाते हैं वेंटिलेटेड सीट्स। कोई कोई मॉडल्स में आपको रियर में भी वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाते हैं। देन यू गेट लंबर सपोर्ट ऑन बोथ साइड्स, बॉस मोड प्लस पैनोरामिक सनरूफ। तो ये तीन मेजर फीचर्स है जो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं फ्रॉम द स्कॉर्पियो एन। स्कॉर्पियो एन के अगर आप इंटीरियर्स देखते हैं तो ये ब्लैक एंड ब्राउन कलर के कॉफी कलर के इंटीरियर्स हैं जो बहुत ही प्यारे लगते हैं। ओवरऑल इसमें भी टच एंड फील ऑफ मटेरियल्स काफ़ी अच्छा दिया गया है एंड सो दैट आपको ज़्यादा घुटन जैसी फील ना हो इस वजह से आपको जो रूफ दिया गया है दैट्स मोर लाइक बेजिश आइवरी कलर दिया गया है, जिस वजह से आपको थोड़ा ज़्यादा एयरी फील होगा गाड़ी के अंदर। प्लस आप अगर इसके टच एंड फील के बारे में बात करते तो यहाँ पे आपको हार्ड प्लास्टिक्स, डोर पे भी हार्ड प्लास्टिक्स, पर दूसरी जगहों पे सॉफ्ट टच एलिमेंट्स भी यहाँ दे दिए गए। तो इट्स अ मिक्स ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट टच मटेरियल्स और इसके इंटीरियर्स काफ़ी प्रीमियम फील होते हैं। तो जो स्कॉर्पियो की खासियत रही है कि छोटा इसका डैशबोर्ड रहेगा, आपको बॉनेट के एजेस दिखते हैं, वो सारी चीज़ें आपको इस SUV में भी मिल जाते हैं। सो देयर इज नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस ऑन दैट पॉइंट एटलीस्ट। अब अगर आप सीट्स के बारे में बात करते हैं तो इसकी फ्रंट सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल है, इसमें भी आपको इलेक्ट्रिक सीट मिल जाती है फॉर द ड्राइवर साइड एंड इसकी सीट काफ़ी
कंफर्टेबल है, अगर आप वाइड हो कैसे भी हो आप आराम से यहाँ बैठ सकते हो. दिस फील्स अ लिटिल मोर कंफर्टेबल देन द सफारी. प्लस दोनों गाड़ी अगर आप देखते हो तो दोनों में आपको 6 एयरबैग्स, एबीएस प्लस सीबीडी, ट्रैक्शन कंट्रोल, ईएसपी जैसे फीचर्स तो मिल ही जाते हैं. स्कॉर्पियो इनके अगर मैं एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में बात कर लूँ तो पहले आपको फ्रंट कैमरा आ जाता है. सेकंड, इसमें आपको नंबर ऑफ स्पीकर्स ज़्यादा, इसमें टोटल 12 स्पीकर्स आते हैं सोनी के, वेयर एज अगर आप सफारी देखते हैं तो उसमें आपको 9 स्पीकर्स आते हैं ऑफ हार्मन. तो वो एक डिफ्रेंसिएशन आ जाता है. दोनों गाड़ियों में अभी वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कार प्ले भी अवेलेबल कराया गया है. स्कॉर्पियो में बहुत जल्द इंट्रोड्यूस हो जाएगा, फिलहाल वो अंडर लाइसेंसिंग है. अगर हम स्टोरेज स्पेसेस के बारे में बात कर ले तो सफारी में आगे डोर पैड्स में 1-1 लीटर की बॉटलें आराम से बैठ जाएगी. ग्लव बॉक्स में अच्छी खासी जगह है तो यहाँ पे आपकी काफी सारी बॉटलें भी बैठ जाएगी, बेसिकली जस्ट टू शो यू एज स्टोरेज. कप होल्डर्स हैं आपके पास आगे दो सफारी में, एंड आर्मरेस्ट में स्टोरेज स्पेस ना के बराबर है. और रियर में आप जाएंगे तो आपके पास डोर पैड्स में 1-1 लीटर की बॉटलें आराम से बैठ जाएगी. अगर आप कैप्टन सीट्स वाला वर्जन लेते हैं तो वहाँ पे आपके पास कप रखने की कहीं जगह नहीं है, बट रेगुलर बेंच वर्जन रहते हैं तो वहाँ पे आपके पास दो कप होल्डर्स मिल जाते हैं. थर्ड रो में 1-1 पैसेंजर के लिए आपके पास कप होल्डर दिया गया है, विच इज़ डेफिनेटली अ बिग प्लस पॉइंट. वहीं पे अगर आप स्कॉर्पियो में आते हैं तो आपके पास डोर पैड्स में आगे 1-1 लीटर की बॉटलें बैठ जाएगी, आपके पास कप होल्डर्स है आगे, प्लस आपके पास आर्म रेस्ट में इतनी ज़्यादा जगह नहीं है, पर आपके पास ग्लव बॉक्स में डिसेंट इनफ स्पेस है टू पुट सम बॉटल्स, बट वो सफारी जितनी नहीं है. सेकेंड रो में आपकी 1-1 लीटर की बॉटल बैठ जाएगी. अगर आप बेंच वाला वर्जन लेते हो तो वहाँ पे आपके पास कप होल्डर मिल जाते हैं, पर अगर आप कैप्टन सीट्स वाला वर्जन लेते हैं तो वहाँ पे आपके पास कप के लिए कोई भी जगह नहीं दी जाती है. थर्ड रो अगर आप स्कॉर्पियो एन का देखते हैं तो यहाँ पे आपके पास कप होल्डर्स नहीं दिए गए हैं. अगर मैं चार्जिंग पॉइंट्स के बारे में बात कर लूँ तो सफारी में आपके पास आगे वायरलेस चार्जिंग आता है जो नया इंट्रोड्यूस किया गया है. यूएसबी चार्जिंग पॉइंट है और फ्रंट में आर्मरेस्ट के नीचे आपके पास दो और यूएसबी और एक 12 वोल्ट चार्जिंग पॉइंट अवेलेबल कराया गया है. सेकेंड रो पैसेंजर्स के पास दो यूएसबी चार्जिंग पॉइंट्स है एंड थर्ड रो पैसेंजर्स के पास भी इंडिविजुअली यूएसबी चार्जिंग पॉइंट्स दिए गए हैं. वेरैज अगर आप स्कॉर्पियो में आते हैं तो आपके पास आगे दो यूएसबी चार्जिंग पॉइंट्स है, आगे वायरलेस चार्जिंग पॉइंट है, सेकेंड रो पैसेंजर्स के पास एक टाइप सी चार्जिंग पॉइंट है एंड थर्ड रो पैसेंजर्स के लिए आपके पास एक 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट दिया गया है. तो दे हैव डिफरेंट चार्जिंग पॉइंट्स एट डिफरेंट लोकेशंस. टाटा सफारी में डोर पिलर्स पे आपको सेकेंड रो में एसी वेंट्स मिल जाते हैं और थर्ड रो में भी आपको पिलर पे एसी वेंट्स मिल जाते हैं, जिससे हवा आप पे डायरेक्टली आएगी अगर आप थर्ड रो में बैठ रहे हो. वेयर स्कॉर्पियो में आपको सेकेंड रो में एसी वेंट्स मिल जाते हैं सेंटर में, पर थर्ड रो पैसेंजर्स को एसी वेंट्स नहीं दिए गए. टचस्क्रीन सिस्टम अगर आप सफारी का देखते हैं तो ये काफ़ी इजी है टू यूज़, पर कहीं ना कहीं लैगी फील होता है एंड ओवरऑल थोड़ा और प्रीमियमनेस की इसको ज़रूरत है. बहुत ही बेसिक यूआई सिस्टम इसको मिल जाता है. वेराज अगर आप स्कॉर्पियो एन का टचस्क्रीन सिस्टम देखते हैं तो ये काफ़ी ब्राइट है, यूजेबिलिटी बहुत आसान है एंड इवन रिस्पॉन्स बहुत अच्छा दिया गया है. सफारी का अगर आप रिवर्स कैमरा देखते हैं तो इसकी क्लैरिटी थोड़ी और बेटर हो सकती थी. दिन में देख लो या इवन रात में, ओवरऑल इसकी कैमरा की क्वालिटी नीड्स टू बी बेटर, क्योंकि ये वो प्राइस की फील नहीं हो रही है जो प्राइस पे गाड़ी आ रही है, एटलीस्ट द रिवर्स कैमरा. स्कॉर्पियो में आपको रिवर्स एंड फ्रंट कैमरा आता है विच हैज़ डिसेंट इनफ क्लैरिटी. इसको एक सॉफ्टवेयर अपग्रेड की जरूरत है जहाँ पे इसमें बेटर क्लैरिटी आएगी, बट करंट वाला कुड हैव बीन अ लिटिल बेटर डे या नाइट दोनों में अगर आप देख लें. स्टीयरिंग व्हील अगर एडजस्टमेंट के बारे में बात करूँ तो सफारी में आपका स्टीयरिंग व्हील हाइट एंड रीच दोनों के लिए एडजस्ट किया जा सकता है. स्कॉर्पियो में आपको सिर्फ हाइट एडजस्टमेंट है, रीच एडजस्टमेंट नहीं दिया गया है. गेटिंग इन एंड आउट में अगर आप देखते हो तो सफारी में चढ़ना और उतरना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि गाड़ी की हाइट अच्छी खासी है. सो अगर आप बुजुर्ग हो या आपकी हाइट कम है तो आपको चढ़ने उतरने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है. स्कॉर्पियो में कहानी भी वही है, इनफैक्ट स्कॉर्पियो थोड़ी और ऊंची है कंपैरेटिवली, सो इस वजह से चढ़ना उतरना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा.
पर अगर आपने एक्सेसरीज में स्टेप लगवाया है अपनी गाड़ी के अंदर, देन इन दैट केस यू विल हैव एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, आप आराम से गाड़ी से चढ़ और उतर सकते हो विदाउट एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी। टाटा सफारी की अगर हम सेकंड रो के बारे में बात कर ले तो यहाँ पे 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। जी हाँ, 3 पीपल कैन सिट वेरी कंफर्टेबली इन द सेकंड रो। यहाँ पे इनके पास नी रूम भी अच्छी खासी है, मिनिमम एंड मैक्सिमम दोनों में। थाई सपोर्ट इज़ ऑल्सो डिसेंट एंड हेडरूम भी अच्छा खासा है। वहीं पे जब हम थर्ड रो में जाते हैं सफारी के, यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि 2 लोग पीछे बैठ सकते हैं। देयर इज एब्सोल्युटली नो स्ट्रगल विद दैट। इवन जो मैक्सिमम नी रूम है एंड मिनिमम नी रूम है इज़ डिसेंट, बट हेडरूम थोड़ा और ज़्यादा हो सकता था। अब स्कॉर्पियो के सेकेंड रो में जब 3 लोग बैठे तो यहाँ पे भी अच्छी खासी आपके पास स्पेस है, 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ अ स्ट्रगल। इनके पास थाई सपोर्ट भी अच्छा खासा है, इवन हेडरूम की बिल्कुल कमी नहीं है। जब थर्ड रो में जाके बैठते हैं ऑफ द स्कॉर्पियो तो यहाँ पे 2 लोग आराम से बैठ सकते हैं। उनके पास नी रूम ओकेश है, थाई सपोर्ट थोड़ा और बेटर होने की जरूरत है क्लियरली, एंड हेडरूम इज एक्चुअली गुड। ऑल राइट गाइज, अभी मैं सफारी के अंदर आ गया हूँ, इट्स टाइम टू ड्राइव। स्टार्ट करते हैं गाड़ी को, डाल दिया इसको इन ड्राइव मोड। वैसे इसमें आपको 2 लीटर का डीजल इंजन आता है, एक इंजन ऑप्शन है आपके पास, पेट्रोल इंजन का ऑप्शन यहाँ नहीं दिया गया इस गाड़ी के अंदर। और आपके पास 6 स्पीड मैनुअल एंड 6 स्पीड ऑटोमेटिक दोनों ऑफर किए जाते हैं। अगर आप इसकी एक्सेलरेशन देखते हैं इट्स प्रीटी गुड, आपको अच्छा खासा पिकअप मिल जाता है। आपको मल्टीपल ड्राइविंग मोड्स भी है तो आप दूसरे मोड्स पे चला के चूज कर सकते हो। फिलहाल मैंने नॉर्मल सिटी मोड पे इसको चलाया, अगर आप इसे स्पोर्ट मोड पे चलाएंगे तो आपको डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा पावर इसमें मिलेगा। अब सफारी में आप एक और एक चीज़ नोटिस करोगे कि जैसे ही मैंने एक्सेलेरेटर ज़्यादा ज़ोर से दबाया तो इसकी इंजन नॉइस काफ़ी एविडेंट है और थोड़ा बहुत वाइब्रेशन आपको इसके पेडल्स एंड स्टीयरिंग व्हील पे फील होता है। दूसरी चीज़ आपको बता दूं कि इस गाड़ी को आप पुश कर लो, आप बहुत तेज़ चला लो, आपको बहुत मज़ा आने वाला है, खास करके अगर आप एक ऑटो एंथुजियास्ट है। आप ये गाड़ी को मिलो चला लो, किलोमीटर से किलोमीटर चलाते जाओ, यू विल नॉट बी बोर्ड ऑफ इट। आपको इनफैक्ट और मजा आएगा इसे पुश करने को, और जब इसे स्पोर्ट मोड पे डालते हो तो इट गेट्स अ लॉट मोर एक्साइटेड टू बी पुश्ड एज वेल। सो ये चीज़ आपको इसमें बहुत पसंद आने वाली है। प्लस इसका जो ऑटोमेटिक है ट्रांसमिशन वो बहुत ही स्मूद है और आपको काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस इसमें मिल जाता है। इवन जो इसका रिस्पॉन्स है एट शिफ्टिंग गियर्स, डाउन शिफ्ट करना है या अप शिफ्ट करना है, आपको चलाने में गाड़ी मजा आएगा। सो जो कहते हैं ना कि मैनुअल का फील है वो ऑटोमेटिक में नहीं आता है, वो ये गाड़ी के साथ आप इनकरेक्ट बोल सकते हो। इनफैक्ट इवन स्कॉर्पियो में आप वो बोल सकते हो, बट स्पेसिफिकली इफ यू आर लुकिंग एट अ सफारी, आप मैनुअल हो या ऑटोमेटिक, यू विल नॉट बी सरप्राइज कि ऑटोमेटिक का पिकअप इतना अच्छा है। दिस इज वन ऑफ द फ्यू कॉम्बिनेशन जहाँ पे ऑटोमेटिक आपको इतना अच्छा पिकअप देती है। नेक्स्ट चीज़ आपको बता दूं कि इस गाड़ी की राइड क्वालिटी, अगर आप लो स्पीड्स पे जा रहे हो तो थोड़ा स्टिफ है, पर अगर आप तेज जा रहे हो देन इन दैट केस आपको राइड क्वालिटी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। खड्डे वड्डे सब ये आराम से अब्सॉर्ब कर देगी विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। नेक्स्ट पार्ट आ जाता है इस गाड़ी की हैंडलिंग। देखिए बड़ी गाड़ी है, कहीं ना कहीं अगर आप बहुत ज़्यादा पुश करोगे टर्न्स पे तो थोड़ा बहुत बॉडी रोल तो रहेगा, बट इसका बॉडी रोल काफ़ी हद तक कंट्रोल्ड है, जिस वजह से आप अगर वाइंडिंग रोड्स पे तेज भी जा रहे हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इवन हाई स्पीड स्टेबिलिटी में आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। प्लस वन मोर लास्ट थिंग आई एम गोइंग टू टेल यू इज द फैक्ट कि जब आप ये गाड़ी चलाते हो एट हायर स्पीड्स तो आपको स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है इस गाड़ी में एट ऑल। सो गाइस, सिटी में जब आप गाड़ी चलाते हो ऐसी कोई बड़ी सफारी जैसे, तो हमको यहाँ पे एक चीज़ टेस्ट करनी है कि इसका टर्निंग रेडियस कैसा है ओवरऑल और कितनी एफर्ट लगती है आपको इसके अंदर। अब क्योंकि इसका स्टीयरिंग थोड़ा हैवी है तो इस वजह से आपकी एफर्ट थोड़ी कंपैरेटिवली बढ़ जाती है, पर अगर आपको मान लीजिए कोई रास्ते में अगर आपको ब्रेक दबाना है तो वहाँ पे आपको ब्रेकिंग में कोई इशू नहीं आएगा। हमने ब्रेकिंग का टेस्ट अलग से किया है जिसमें हम कम्फर्टेबली इसे चला पाए हैं। अब अगर मैं टर्निंग रेडियस के बारे में बात कर लूँ इस गाड़ी की, सो ओवरऑल इसका टर्निंग रेडियस देखते हैं अभी कैसा है। यहाँ पे अगर गाड़ी नहीं खड़ी होती तो शायद हमारी गाड़ी टर्न हो जाती थी, बट बड़ी साइज की गाड़ी टर्न करने में थोड़ी ज्यादा एफर्ट यहाँ हमें लगने वाली है अगर आप सफारी जैसी एसयूवी लेते हैं। सो एक चीज याद रखिए, बड़ी गाड़ियों में थोड़ी डिफिकल्टी तो डेफिनेटली रहती है। मुझे याद है हमने एंडेवर, फॉर्च्यूनर ये सब जब का टेस्ट यहाँ किया था तभी कोई कोई गाड़ियों में आई थिंक ग्लॉस्टर में हमें टर्न करने में प्रॉब्लम आई थी। तो इट डिपेंड्स,
कोई कोई गाड़ियों का टर्निंग रेडियस बड़ा रहता है, कोई कोई का छोटा रहता है, तो इसका थोड़ा बड़ा है सफारी का राइट नाउ जस्ट वी सॉ। इन टर्म्स ऑफ विजिबिलिटी अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा एरिया विजिबिलिटी का है। आपको जो ए पिलर है वो थोड़े थिक है इस गाड़ी के, बट इट्स नॉट रियली अ बिग इशू क्योंकि आपके पास मिरर साइजेस काफ़ी बड़े। पर अगर आपकी हाइट कम है सो आपको थोड़ा यहाँ पे विजिबिलिटी में प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि ये इतना एरिया आपके लिए थोड़ा ब्लाइंड स्पॉट बन सकता है अगर आपको वहाँ की तरफ देखना है, पर टॉल पैसेंजर्स को ये प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो गाइज अभी हम आ गए स्कॉर्पियो एन में, वी स्विच ऑन द कार, पुट इट इन ड्राइव एंड हियर वी गो। सो स्कॉर्पियो एन में आपको दो इंजन ऑप्शन आते हैं, एक है पेट्रोल 2 लीटर टर्बो पेट्रोल, डीजल भी आता है विच इज़ अ 2.2 लीटर टर्बो डीजल। ओवरऑल ये दोनों इंजन से आपको मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों के चॉइसेस मिल जाते हैं, विच गिव्स यू लाइक कि आपको चॉइस जो चाहिए ले लो, मैनुअल चाहिए ले लो, ऑटोमेटिक चाहिए ले लो, 4x4 चाहिए तो वो आपको सिर्फ डीजल में आता है। सो डीजल में भी आपको मैनुअल एंड ऑटोमेटिक के 4x4s आ जाते हैं, विच मेक्स इट अ कम्प्लीट पैकेज। अब अगर मैं इसके ओवरऑल ड्राइव के बारे में बात कर लूँ तो सबसे पहली चीज़ आप नोटिस करोगे कि स्कॉर्पियो में आपकी जो सीटिंग पोजिशन है वो काफ़ी हाई है, विच मेक्स योर ड्राइव वेरी ईजी एंड कम्फर्टेबल। सो आपको पूरा रोड दिखता है, आपको बॉनेट के एजेस दिखते हैं, जिस वजह से आप अगर पहले बार कोई बड़ी गाड़ी चला रहे हो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी टू गेट यूज टू इट। और ये हमेशा से स्कॉर्पियो की खासियत रही है, इनफैक्ट इवन जो इसकी एक्सेलरेशन है फ्रॉम द मोमेंट वी गो इज अभी मैं पहले आपको एक्चुअली राइड क्वालिटी दिखाता हूँ। अब अगर मैं ये खराब यू नो इट्स जस्ट अ बाउंसी पैच, यहाँ पे अगर मैं स्लो स्पीड से जाता हूँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, आराम से वो बेयर कर देता है एंड इट जस्ट नाइसली आयंस आउट द रोड। प्लस अगर आप सिग्नल पे रुकते हो एंड इफ यू आर बाइंग अ पेट्रोल और अ डीजल, डिपेंडिंग ऑन द इंजन ऑप्शन यू बाय, आपके पास स्टार्ट स्टॉप सिस्टम भी आ जाता है जिससे आपकी ओवरऑल फ्यूल एफिशिएंसी डेफिनेटली ऊपर जाने वाली है एंड इट्स वेरी इंस्टेनियस। मतलब जैसे मैं एक्सेलेटर ब्रेक से पैर हटा दूंगा द कार विल स्विच ऑन विच इज़ वेरी क्विक। जैसे मैंने एक्सेलेटर पे पैर भी नहीं डाला, सिर्फ ब्रेक से पैर हटाया, इट्स रेडी टू गो इमिडिएटली। अब एक और एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता दूँ कि जो सफारी में एक्स्ट्रा आती है इसमें नहीं आती है, इज़ द फैक्ट कि इस गाड़ी में आपको रेगुलर हैंड ब्रेक आता है, सफारी में आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आता है विथ ऑटो होल्ड, जो इसमें क्लियरली मिसिंग है एंड दैट्स अ फीचर वी वुड हैव अप्रिशिएटेड टू हैव इन दिस कार। पर अगर मैं इसके एक्सेलरेशन की बात कर लूँ, इसके ड्राइव की बात कर लूँ, तो ये ज़्यादा लाइटर है एंड क्विकर है टू ड्राइव कम्पेयर टू द सफारी। इट फील्स अ लॉट मोर पंचियर टू ड्राइव। सो ये चीज़ अगेन इसके फेवर में चली जाती है। ओवरऑल सफारी जो है आपको अच्छा पिकअप देती है, बट दिस थिंग फील्स अ लॉट मोर क्विकर ऑन इट्स फीट। आप एक्सेलेटर दबाते ही इट जस्ट स्टार्ट्स टू पुश इमिडिएटली, वेर एज सफारी में हल्का सा लैग एविडेंट है। देखिए सफारी में अगर आप स्पोर्ट पे चलाते हो डेफिनेटली इट फील्स लॉट मोर पेपियर, बट ये गाड़ी बिकॉज ऑफ इट्स लाइट स्टीयरिंग व्हील ये काफ़ी ईजी है टू मनूवर इन सिटी हाईवे सब जगह। सो ये इसके फेवर में यहाँ एक पॉइंट चला जाता है क्योंकि इसका स्टीयरिंग व्हील बहुत ही लाइट है। ओके, राइड क्वालिटी ऑफ दिस कार इज नाइस। आप आगे बैठो पीछे बैठो, स्लो स्पीड हाई स्पीड यू विल हैव नो प्रॉब्लम्स विद इट। थोड़ी बम्पी फील होगी इन सर्टेन कंडीशंस क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये एक लैडर फ्रेम है, बट ऐसे नहीं कि इट विल डिस्टर्ब यू और मेक यू अनकंफर्टेबल एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। सो ये चीज़ इसकी अच्छी है। प्लस हैंडलिंग इज अ बिग सरप्राइज। मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप जाके मेरा वीडियो देखो ऑफ द स्कॉर्पियो रिव्यू, जब हमने चलाई थी ये गाड़ी को, हमने घाट्स पे इसे पुश किया था एंड तभी फॉग था, बारिश हो रही थी एंड इट वाज यू नो इट वाज डिफिकल्ट टू ड्राइव देयर, पर ये गाड़ी ने बिल्कुल भी बॉडी रोल नहीं दिया एंड इट वाज वेरी क्विक ऑन इट्स फीट। मैं आपको बोलता हूँ मुझे सरप्राइज हो गया आफ्टर ड्राइविंग दिस कार दैट वे कि यार ये तो बहुत ही तेज चलती है गाड़ी ओवरऑल। सो दीज आर सम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि स्कॉर्पियो डिस्पाइट बीइंग अ लैडर फ्रेम आपको इशू नहीं होगा टू ड्राइव इट एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। स्पीड ब्रेकर टेस्ट में जब हमने सफारी देखा तो यहाँ पे थोड़ा स्टिफ सस्पेंशन था फॉर द सेकेंड रो, इवन थर्ड रो थोड़ा स्टिफ था, पर अगर आप हायर स्पीड्स पे जाते हैं सफारी में तो इट्स अ लॉट मोर सपल। वेरस अगर आप स्कॉर्पियो में अगर सेकेंड रो बैठते हैं तो इट्स बेटर देन द सफारी और थर्ड रो इसका थोड़ा बाउंसी है कंपेरेटिवली। ब्रेकिंग में भी बिकॉज दोनों गाड़ियों में आपको डिस्क ब्रेक्स आते हैं तो इस वजह से काफ़ी अच्छा ब्रेकिंग था। अपहिल जाने में भी दोनों गाड़ियों में प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि दोनों का परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त है। सो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप फुली लोडेड दोनों गाड़ियाँ जाते हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है।
हेडलाइट्स अगर आप सफारी की देखते हैं तो इसका थ्रो काफ़ी डिसेंट है, स्प्रेड बहुत अच्छा है, बट ओवरऑल थोड़ा और थ्रो स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है। हावेवर अगर आप स्कॉर्पियो इनका थ्रो देखते हैं एंड इवन स्प्रेड देखते हैं तो ये बहुत अच्छा है, मच बेटर देन द सफारी। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने जो भी सारे टेस्ट देखे उससे आपको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए और किस वजह से। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, एक बार मैं रिपीट करूंगा कि आप जाके सारे टेस्ट देख लो एंड मेक योर प्रायोरिटीज वेरी क्लियर। आपको स्पेस चाहिए, फीचर्स चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, माइलेज चाहिए, रीसेल चाहिए, व्हाट यू वांट फ्रॉम योर कार, बी वेरी क्लियर अबाउट इट एंड देन मेक योर डिसीजन। आपको पूरा क्लैरिटी मिल जाएगा वहाँ पे। फिर भी आपको लग रहा है नहीं हम डिसीजन नहीं आ पा रहे हैं, आप हमसे फोन कॉल पे जुड़ के अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हो। आपको सिर्फ motoroctane.com/car-consultancy पे जाना है, वहाँ जाके अपने कुछ डिटेल्स भरने और आपको हमसे मिलेगा एक 15 मिनट का कॉल। जी हाँ, आप हमारे टीम ऑफ एक्सपर्ट से जुड़ के 15 मिनट के कॉल पे पूरी क्लैरिटी आपको मिल सकती है। यू कैन टेक मल्टीपल कॉल्स ऑल्सो इफ यू नीड। अगर आपको क्लैरिटी पूरी नहीं मिली, आर गोल इज सिंपल, हम चाहते हैं कि आप सही गाड़ी खरीदे ताकि आप गलत गाड़ी के साथ एंड अप ना करें। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बता दूं, मेरे हिसाब से सफारी में एक पेट्रोल इंजन की कमी है जो आज स्कॉर्पियो एन आपको दे रही है एंड दैट इज द ओनली थिंग दैट इट क्लियरली मिसेज आउट। विजिवी स्कॉर्पियो एन में आपको कुछ कुछ ऐसे फीचर्स नहीं मिलते जो आपको सफारी ऑफर्स कर रही है। फॉर एग्जांपल वेंटिलेटेड सीट्स बीइंग वन ऑफ देम, पैनोरामिक सनरूफ बीइंग द अदर। सो दोनों गाड़ियों के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं और कोई भी गाड़ी आप मार्केट में आज लेने जाओ, अगर आप सिर्फ ये देख रहे हो या ये चाहिए, आपको सब चाहिए, तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आने वाली है। आप कोई भी गाड़ी क्लोज नहीं कर पाओगे। यू विल बी ओनली बी एबल टू क्लोज अ कार जब आप अपने रिक्वायरमेंट्स क्लियरली स्पेसिफाई करोगे कि मुझे ये इंपॉर्टेंट है और ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर राइट नाउ गाइस। अगर आप ऐसे और वीडियोस देखते रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब टू मोटोरोक्टेन राइट अवे। एंड हाँ, आप क्या और कंटेंट में देखना चाहोगे स्कॉर्पियो सफारी में, डू लेट मी नो इन कमेंट्स, जिससे हमें आपके लिए और कंटेंट बनाने में आसानी हो सके। मिलेंगे कल फिर से गाइज विद एन ऑल न्यू वीडियो। टेक केयर, सी यू टुमारो, लव यू गाइज, बाय।